मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, घड़ी का वास्तुशास्त्र में एक विशेष महत्व है। घड़ी को हम कहाँ रखें, किस तरह रखें, कहाँ नहीं रखें, ये सब कुछ वास्तुशास्त्र में वर्णित है। घड़ी को हम अगर वास्तुशास्त्र के विपरीत रखते हैं तो हम गरीबी की तरफ और दुर्भाग्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार हम घड़ी को रखें तो हम सौभाग्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं घड़ी को हम कहाँ रखें और कहाँ नहीं रखें, क्योंकि घड़ी हर घर में मौजूद होता है। हम समय घड़ी से देखते हैं, हर घर की बात है ये, लेकिन हमें अक्सर पता नहीं होता घड़ी को कहाँ रखना उचित होता है, कहाँ रखना उचित नहीं होता। हम अपने हिसाब से कहीं भी घड़ी को टांग देते हैं। तो आइए जानते हैं घड़ी को। सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं, कभी भी दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से निगेटिव एनर्जी आती है घर में। एक बार जब निगेटिव एनर्जी आती है घर में तो किसी काम में मन नहीं लगता। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा और उस कार्य को आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन में आप फिसलते चले जाएंगे। तो ध्यान रहे, कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाएं। घड़ी को कभी भी मेन गेट के ऊपर भी नहीं लगाएं। जो भी आपके घर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर कभी भी घड़ी को न लगाएं। इनसे भी बचें, क्योंकि आते जाते निगेटिव एनर्जी घड़ी के कारण आप पे पड़ेगी। यहाँ पे नहीं रखना चाहिए घड़ी, बिल्कुल ही वर्जित है मुख्य द्वार के पास। अगर घड़ी कभी होता है किसी किन्हीं किन्हीं के यहाँ या सबके यहाँ घड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है या फिर घड़ी खराब हो जाता है तो घड़ी बंद हो जाती है। उस बंद घड़ी को लोग छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, दूसरा भी घड़ी खरीद के ले आए लेकिन उसे कहीं उतार के रख दिया और अभी भी बंद घड़ी घर में मौजूद है। ऐसा ना करें, घड़ी जब भी बंद हो जाए उसको तुरंत ही चालू करें, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द उसे फिर से शुरू करें, या फिर बिल्कुल ख़राब हो गया तो उसे बिल्कुल घर के बाहर फेंक आएँ। बंद घड़ी घर में नहीं रहनी चाहिए, इससे आपकी तरक्की रुकती है, आपका समय जो अच्छा समय होता है वो रुक जाता है। तो घड़ी कभी भी बंद नहीं रहना चाहिए घर में। घड़ी कभी भी गंदी नहीं होनी चाहिए। किन्हीं किन्हीं लोगों के यहाँ आपने भी देखा होगा घड़ी पर बहुत सारी धूल जम रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। घड़ी को हफ्ते में 10 दिन में एक बार जरूर साफ करें, उस पर धूल नहीं जमने दें। धूल जमने से निगेटिव एनर्जी भी आती है और साथ ही दुर्भाग्यता भी आती है। ये तो रही घड़ी को हम कहाँ नहीं लगाएं और किस तरह नहीं रखें। अब आइए जानते हैं घड़ी को कहाँ पे लगाएं। घड़ी के को घर के पश्चिम दिशा वाले दीवार पे लगाना शुभ होता है। घर जो भी आपका पश्चिम दीवार है वहाँ पे आप घड़ी को लगाएं, वहाँ घड़ी लगाना शुभ होता है। दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है और पश्चिम दिशा में लगाना है। इनके अलावा किसी और दिशा में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा में लगाने से शुभ होता है। तो ध्यान रहे, अगर हो सके तो घड़ी को पश्चिम दिशा में जरूर लगाएं। घड़ी को घर के उत्तर दिशा वाले दीवार में भी लगाना शुभ होता है। तो उत्तर और पश्चिम आप लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, घड़ी का समय हमेशा सही रखें। घड़ी का समय अगर आप गलत रखते हैं तो आप पथ भ्रमित हो जाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे, आप सही से अपनी लाइफ को जज नहीं कर पाएंगे, सारा काम आपका गलत होगा। तो वास्तुशास्त्र में बिल्कुल ही वर्जित है घड़ी का समय हमेशा सही रहना चाहिए। कुछ लोग घड़ी को फास्ट करके रखते हैं ताकि उनका काम जल्दी उस समय पर रेडी हो पाए, इन सब चीज़ों के लिए घड़ी को फास्ट करके रखते हैं। कुछ लोग घड़ी को स्लो भी करके रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। घड़ी का समय हमेशा बिल्कुल सही रखें। तो इस तरह से घड़ी को आप रखें। तो मिलते हैं मित्रों किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहें धर्म शिक्षा। नमस्कार।